Hey guys, welcome back to my channel Sina Goku. और आज की वीडियो में हम जा रहे हैं जंगल सफारी के लिए और ड्राइवर जी हमारा वेट कर रहे हैं. हम हो चुके हैं लेट एज यूजुअल गाइस, तो सीधा वहीं मिलते हैं. ठीक है, और ये दूसरा बच्चा रेडी हुआ है, ये फुल ऑफ ब्राइटनेस. तो जंगल सफारी और हम लोग इसमें जाने वाले हैं अभी. यहाँ पे आसपास भी ऐसा लग रहा है जैसे जंगल ही जंगल है. एंड लेट्स सी अभी हमें क्या आज देखने को मिलता है क्या नहीं. और शेड्स गाड़ी से लाते हुए. हाँ जी मैम, अब बोलिए. अब बोलिए गाइस. भैया बता रहे हैं यहाँ से 30 किलोमीटर है एंड आप सफारी में बैठ गई हैं. हाउ आर यू फीलिंग? वेरी एक्साइटेड. लेट्स एक्सप्लोर एंड वी डेफिनेटली शेयर एक्सपीरियंस विद यू ऑल. मेरी थोड़ा खतरनाक झटके लग रहे हैं और इन लोगों ने बोला है कि वहाँ एंट्री गेट से ही आपके साथ एक गाइड, जो गवर्नमेंट गाइड होते हैं, वो हमारे साथ बैठ जाते हैं, तो वो हमें गाइड करेंगे, तब हमें थोड़ा सा ज़्यादा पता चल पाएगा. अभी वहाँ मिलते हैं क्योंकि बहुत बहुत झटके लग रहे हैं. हाउस द वेदर? बहुत जबरदस्त मैन, द वेदर इज ऑसम. जैसा आई थिंक इट इज द बेस्ट डिसीजन दैट वी डिसाइडेड कि हम मॉर्निंग वाले टाइम पे जाएंगे एंड वी आर लविंग इट बिकॉज द वेदर इज ऑसम. तो जब तक हम लोग का पूरा होगा तो ये ठंडा ठंडा वाला माहौल ही रहेगा बिकॉज धूप में मजे आते नहीं देखने में एंड इट्स वेरी लवली वेदर गाइस. और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे पॉसिबिलिटीज आर कि हमें लेपर्ड, टाइगर और लायन भी दिख जाए. स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दैट प्लीज़ गाड़ी से उतरना नहीं और मतलब थोड़ा सेफ नहीं होता बिकॉज ऑब्वियस रीजंस गाइस. वैसे भी नहीं उतरने वाले थे हम, पर फिर भी बोलने के बाद थोड़ा डर लगता ही डर लगता है बट एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हाउ विल वी फील. मतलब ऐसे पहली बार जब हम देखेंगे, आई डोंट नो, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एंड वेदर ऑसम, लिटरली बहुत अमेजिंग वेदर है. आठ गेट होते हैं जिसमें से तीन पांच जो है वो बंद होते हैं, जो कि मतलब 14 नवंबर के बाद खुलेंगे. रीजन बीइंग कि वहाँ पे स्टे होता है, मतलब आपको जंगल के बीच में स्टे करवाते हैं, वो कंपलसरी होता है और वहाँ पे चांसेस भी ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं कुछ दिखने के और ये सब. वो मतलब सिर्फ साइट व्यू और इन सब के लिए नहीं होता कि साइट सीइंग करने जा रहे हो आप, उसके लिए नहीं होता. सो अभी जो है वो तीन गेट्स खुले होते हैं सिर्फ साइट सीइंग के लिए और उसमें जो है मतलब काफ़ी चीज़ें दिख जाती हैं, काफ़ी चीज़ें का मतलब इट डिपेंड्स ऑन लक, ये तो सबको पता ही होगा. बट टोटल आठ गेट होते हैं जिम कॉर्बेट में, जिसमें से पांच में स्टे होता है.
और काफ़ी सारे जैसे सीतापनी वगैरह वो फिर भी थोड़ा सा आउटर पड़ जाता है कर्मा वाला, बट बाकी सारे काफ़ी हैं जो जंगल के अंदर भी है रिजॉर्ट, जिसमें रात के टाइम पे आपको बाहर जाना अलाउड ही नहीं होता बिकॉज। अच्छा रिकॉर्ड कर ले हम आपको थोड़ा सा जो आप बता रहे हो। तो एनिमल में सारे टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, पिगो, बियर, जिब्बल, सियार, भालू, जंगल कैट, लेपर्ड कैट, बर्ड्स, वाइल्ड बोर, सारे एनिमल है। और किस्मत की बात है जो देखिए आपको लग भाई चांस है फाड़ो जंगल जंगल है जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे चंदन के पेड़ भी हैं, चंदन के पेड़ दिखाऊंगा आपको मैं। बाकी किस्मत की बात है जो देखिए आपको लग भाई चांस है एनिमल सारे हैं, ये सब पूरा पहले जंगल जंगल था पूरा, ये अभी नेचुरल फॉरेस्ट में रहे हैं आप लोग। अच्छा अब लोग रहने लग गए यहाँ पे। हाँ तो लोग रहने लग गए, बाकी ये जंगल बहुत खूबसूरत जंगल है, हरिद्वार से नेपाल तक घूमता है एलिफेंट पूरा जाकर, हरिद्वार से नेपाल तक मिलता पूरा जाकर आप। बाकी जो जंगल है 1300 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे 252 ब्रश है यहाँ पे टाइगर, बाकी लगभग चलते 1000 एलिफेंट है, 50,000 डियर है। अच्छा लेपर्ड है, पीकॉक है, दिस इज हाउ ये एंट्री है यहाँ से भाई साहब, ये देखो एंट्री स्टार्ट, ये एंट्री गेट है गाइस। हम लोग अभी यहाँ पे जाएंगे, उससे पहले यहाँ पे जरा मैगी वैगी खा ले। तो हम लोग निकल चुके हैं अब असली जंगल की ओर, ताक लगाए हुए, क्या पता चीता ने हमारी ताक लगाई हुई है, एंड अगर हमने एक आधी बार कहीं शेर वेर बोला है तो सॉरी गाइज, इस जंगल में शेर नहीं होते, ये सिर्फ चीता और बाघ का है। बड़े मोदी जी आए प्रधानमंत्री, उनको दिखा टाइगर, और रवीना टंडन आई थी उनको दिखा था, हम उनको दिखा तो चार टाइगर बच्चे वाले फीमेल। ओके तो रवीना टंडन अपने बच्चों के साथ आई थी, उनको चार टाइगर दिखे, मोदी जी को नहीं दिखे थे या मोदी जी को दिखे थे ऐसा कुछ कह रहे, पता नहीं। दीमक जो है वो अपना पूरा घर बना के ये इस तरीके से पूरा बंगलो बना के रहती है दीमक, ऊपर इतना ऊंचा, और ये कह रहे हैं जितना ऊपर जमीन के है उतना ही नीचे भी होता है, तो ऐसे हर जगह पे हैं। आगे वो और लोग हैं जो कुछ वेट कर रहे हैं कि कुछ दिखे, वैसे तो जितने भी लोग अभी वापस गए हैं एज यूजुअल निराश होकर गए हैं, बट हम अपना लक देखते हैं कुछ तो दिखे। देखो कड़ी पत्ते के कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, ये स्पेशली मम्मी के लिए ये वाला पार्ट, ये रहा कड़ी पत्ता, मम्मी देखो कितना सारा कितना बड़ा, जंगल में मम्मी कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता, पेड़ ही पेड़, पेड़ ही पेड़, यहाँ इतने सारे पेड़ मम्मा, आप तो बौखला ही जाती यहाँ पे बिल्कुल ही, पगला जाती पेड़ देख देख के, ये भी ले जाऊँ ये भी ले जाऊँ ये भी ले जाऊँ, ये देखो पूरा जीता जागता नर्सरी नहीं पूरा जंगल है ये। दिख जाए समर टाइम में तो यहाँ पे बहुत एलिफेंट टाइगर इतना दिख रहा था बेहिसाब, सब कहाँ गए एलिफेंट, माइग्रेट कर जाते हैं ना, माइग्रेट एक डास कीड़ा होता है ना, डास कीड़ा उसको काटता है ना तो भाग जाता है एलिफेंट, जैसे कि खुले खुले मैदान में रहता है डास, जो हमारे वहाँ भी तो होते हैं डास कीड़ा के घर, यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं इतने ऊंचे ऊंचे, हम वेट कर रहे हैं कि कुछ देखने को मिले अगर, तो इस टाइम तो आपको मौसम भी अच्छा मिल रहा है, नहीं तो मौसम इतना गर्म होता है ना समर टाइम में तो रुका भी नहीं आता। सफेदे का पेड़ गाइस कितना वाइट कलर, ये पता है ये बहुत महंगा बिक रहा है, रहे हैं यहाँ पे कुछ तो मिल जाए हमें एटलीस्ट कोई एनिमल, बंदर ही भी दिख जाए अभी मैं कह रहा था इनको लंगूर देख लो, मतलब जंगल में जा रहे लंगूर क्यों देखेंगे आप, यहाँ लंगूर भी नहीं दिख रहा, ये देखो ऊपर पूछो
इसमें जो होता है ना जो पधेरा आपको शिकारी कुआं बोलते हैं इसके जो अच्छा ना अंग्रेज लोग यहाँ से नजर रखते हैं। अभी तो अभी अलाउड थोड़े हो गए यहाँ पर। ट्री हाउस बना हुआ है, इस पे पैर रखने से ही डर लग रहा है, इतना गैप है इसमें और हम काफी ऊंचे आ गए। इट्स स्केरी एट द सेम टाइम। टर्टल्स होते हैं इसके अंदर ना, कछुए वगैरह, कछुए होते हैं इसमें। सो गाइज, हार्ड लक, हमने रील्स और फोटोज और उन सबसे बहुत ज़्यादा वसूल तो लिया है जंगल सफारी, बट देखने को इतना खास कुछ मिला नहीं। और कुछ दिखा थोड़ा बहुत भी या कुछ तो वो कुछ खींच भी नहीं पाए, तो एकदम से सडन था सब कुछ। और कुछ मार्क्स तो दिखे थे पैरों के भी, वो भी कुछ एक आध लोगों ने बताए थे, बाकी पर हमने वैसे फ़ोटोज़ वगैरह से तो फुल वसूली कर ली है। तो अब हम लोग जा रहे हैं वापस होटल की ओर, जहाँ हमारे होटल से 200 मीटर वॉकिंग पे अंदर की साइड पे है नदी, जो कि उन्होंने बताई थी, वो देखेंगे हम अभी जाकर। और फिर उसके बाद आज शाम को पूल का भी प्लान है। स्टे ट्यून्ड। भी बोलते हैं भैया गांव में, अब भी हमारे में हम भी बोलते थे जब छोटे थे। लो भाई मशरूम, एक वो है छोटी सी, एक वो वाइट वाली है उधर, जिसको पता होता है ना वो लोग खा लेते हैं इसको बना के, बाकी कुछ लोग नहीं पता होता, नुकसान नहीं देती, जहर होता। सो अब हम जा रहे हैं, अभी हम मार्केट गए थे, मैं फोन नहीं लेके गई थी, सो आई डिडंट शूट दैट। अभी हम वापस जा रहे हैं अपने डिनर के ठिकाने पे। और अब कर लेते हैं डिनर, दाल तड़का, राइस माय गो टू थिंग, और थोड़ा सा पनीर, बिकॉज आई डोंट लाइक पनीर एनी मोर, बहुत पनीर खा चुकी हूँ। सोनी क्या है ये? क्या है ये? बाट क्या नहीं है ये? अभी यहाँ पे सारे रूमों में ठक ठक करके ये भी कर सकते हैं, और ये भी तो यही नहीं कर रहे।